नमस्कार दोस्तों, iiiEM के आस्क रिप्लाई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर कंसल्टेंसी कौन से टाइप की होती है, राइट? यानी सिर्फ सेल्स का बाहर लाके नहीं कंसल्टेंसी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी बहुत बार कहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी का बहुत सारे वीडियो बनाए आपने, तो किस तरह से क्या कौन से टाइप की मैं कंसल्टेंसी कर सकता हूँ? आज का वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर जरूर मिलेगी। But before I should begin, I request all of you to download our iiiEM app. उसके अंदर भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस रखे हुए हैं, इंटरेस्टिंग डेटाबेस रखे हुए हैं। एम्बेसी की डिटेल्स चाहिए आपको या किसी एसोसिएशन की डिटेल्स चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की डिटेल्स चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिलेगी। इवन आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन जानना है, प्री शिपमेंट पोस्ट में डॉक्यूमेंट, वहां पर हमने सारी चीज रखी हुई है। फॉरन एक्सचेंज के बारे में जानना है, वो भी उसके अंदर रखा हुआ है। बुक्स हमारी अवेलेबल, बहुत सारी चीजें हमने उस हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रखी हुई है, एक बार डाउनलोड कर लीजिए। अलग अलग लैंग्वेज के अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें रखी हुई है जो आपको आपका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, ये वीडियो बहुत सारे में रखे हुए, उसके बाद भी कुछ पूछना है तो #askiiiEM लिख के आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट विल बी मच ऑफ आवर प्लेजर टू गिव यू द आंसर, राइट? अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मिस्टर प्रशांत एस करके हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर कंसल्टेंसी में हमें बायर्स फाइंड करके देना होगा ना मैन्युफैक्चरर को, उसमें से हमारा कमीशन मिलेगा या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का ही कंसल्टेंसी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रशांत जी। मैंने बहुत सारे वीडियोस, आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो या बिजनेस आपका पैसा भी नहीं तो भी कैसे कंसल्टेंसी करके आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चालू कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियोस बनाए। एक बार जिस जिन व्यूअर्स ने नहीं देखे हुए, हमारे चैनल पे हमारी ऐप पे जाके आप देख लीजिए, आपको बहुत सारी डिटेल्स उसके अंदर मिलेगी, राइट? उसी के क्वेश्चन को उन्होंने आगे बढ़ाया कि किस किस टाइप की कंसल्टेंसी हो सकती है। पहली कंसल्टेंसी की अगर मैं बात करूं, एक आप ऐसे कह सकते हो बेसिकली कि आप उसको पूरा का पूरा सेटअप करके दो एक्सपोर्ट का, यानी कोई मैन्युफैक्चरर है, राइट, उसको एक्सपोर्ट के बारे में पता नहीं, डोमेस्टिक काम करता है, तो उसका पूरा का सेटअप, यानी पूरा एक्सपोर्ट यूनिट जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम उसका लाइसेंस लेने से लेके उसका आरसीएम करने से लेके उसका बेसिकली मार्केटिंग करना, ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेज मैनेज करना, वहां से लेके बेसिकली ऑर्डर लाने तक के कंसल्टेंसी कर सकते हो, राइट? और आपको जो भी कंसल्टेंसी लेते हो उसका कमीशन मिल जाएगा, जो भी ऑर्डर आएगा उसका कमीशन मिल जाएगा। दूसरे टाइप की जो कंसल्टेंसी आप कर सकते हो वो उसके एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन बना के देने की कर रहे हो, यानी बहुत सारी छोटी कंपनियां रेगुलर एक्सपोर्ट्स नहीं करती है तो उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता है कि किसी स्पेसिफिक बंदे को रखे और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन या उसकी प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर्स करनी है तो उसके लिए काम करवाए। तो अगर आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज है, प्री शिपमेंट का नॉलेज है, पोस्ट शिपमेंट का नॉलेज है और डीजीएफटी के रिलेटेड या बैंक के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हो तो आप उसकी कंसल्टेंसी भी उनके साथ कर सकते हो, राइट? तो उनको सिर्फ बेसिकली डॉक्यूमेंट बना के उनका जब शिपमेंट रेडी होता है तो पोस्ट शिपमेंट वो 5,000 से 10,000 रुपए पे करते हैं, राइट? तो सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दो, प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके बैंक सबमिशन के डॉक्यूमेंट जो करने, वो जो आपके डॉक्यूमेंट सीखे हुए हैं वो आप बना के दे सकते हो। तीसरे टाइप की कंसल्टेंसी बेसिकली जो होती है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग की होती है, राइट? किसी को एक जगह से मटेरियल दूसरी जगह पे भेजना है तो उसको कंसल्टेंसी भी कर सकते हो बेसिकली, या तो आपका फ्रेट बुकिंग भी करके आप दे सकते हो फ्रेट फॉरवर्डर से लेके, यानी उससे मटेरियल से उठाना है आपको और दूसरे डेस्टिनेशन में लेके जाना है। हमारे बहुत सारी सी इंक्वायरी आती है कि उनको सिर्फ चाइना से मटेरियल मंगवाना है, उनको पता है कहाँ से मंगवाना है और कैसे मंगवाना है वो पता नहीं है, राइट? तो हम लोग उसको ऐसे भी कंसल्टेंसी दे सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट की भी हो गई और वो इंपोर्ट की भी हो गई कि एक जगह से मटेरियल दूसरी जगह भेजना है तो कैसे भेजोगे, इंक्लूडिंग क्लियरिंग फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन सारा चीजें करके दोगे, या तो सेम चीज अप्लाइड इन इंपोर्ट एज वेल, वहां पे बेसिकली कैसे मटेरियल वहां से चाइना से या वियतनाम से या किसी भी कंट्री में से कैसे यहाँ तक लाना है, क्या लाना है, उसकी प्रोसीजर करनी, वो सारी चीजें भी आप कंसल्टेंसी में अप्लाई कर सकते हो। करंट मार्केट का सिनारियो बताऊं तो यूजुअल केस में सीएचए जो होते हैं वही सारा डॉक्यूमेंटेशन का देखते रहते हैं, पर वो जो डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो सिर्फ प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट देखते हैं, यानी कस्टम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट ही इनवॉइस पैकेज ही है, वो सीएचए को डिटेल्स दे दो खुद ब खुद ही बना लेते हैं, पर पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं सब लोगों को नहीं करना आता है, उसकी कंसल्टेंसी डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंसी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, राइट? उसके अलावा की भी एक कंसल्टेंसी बोलूं तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्लेम करने की। आप बोलोगे सभी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स तो कोई मिल नहीं रहे, मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ? आपको पुराने जो एनईआईएस के बेनिफिट क्लेम करने बाकी है या तो एडवांस लाइसेंस इश्यू करने होते हैं, ऐसी बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी भी डीजीएफटी में जो बेनिफिट मिलते हैं उसकी भी डीजीएफटी रिलेटेड कंसल्टेंसी भी आप कर सकते हो। अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लाइसेंस निकलवाने की बात करें तो भी मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज होता है, सिर्फ लाइसेंस बेसिक निकलवा के देने का, राइट? सो ऐसे मल्टीपल ऑफ कंसल्टेंसी आप कर सकते हो, बट यूजुअल केस में अगर बात करें तो ओवरऑल ऑल टुगेदर कंसल्टेंसी की बात करूं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंसल्टेंसी आप बोलोगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम रजिस्टरिंग अ कंपनी, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेने से लेके बायर के ऑर्डर लाने तक, उसको एग्जीक्यूट करने तक, वहां से पैसा आ जाने तक और गवर्नमेंट के बेनिफिट क्लेम करने तक,
ये सारी चीजों की कंसल्टेंसी दे दो और आराम से कमीशन लेके आपका आप काम कर सकते हो। बहुत सारे इट इज मोर लाइक अब आपका ही खुद का एक्सपोर्ट का यूनिट चला रहे हो, यू आर वर्किंग विद देम, दे आर योर एसोसिएट पार्टनर एज अ मैन्युफैक्चरर, राइट। उसके नाम से ही एक्सपोर्ट होगा, सब कुछ उसके नाम से ही होगा, यू आर वर्किंग एज एन एसोसिएट पार्टनर टू हिम और गेटिंग द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, यू विल गेट पेड फॉर इट, राइट। तो इस तरह से कंसल्टेंसी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। सो मैंने बहुत सारे वीडियो कंसल्टेंसी को लेके, कैसे वो कंसल्टेंसी मार्केटिंग करना है उसको लेके भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है एक बार वो गो थ्रू कर लिए, विच विल गिव यू बेटर आइडिया अबाउट द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जो आपको आपका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और कैसे आपकी कंसल्टेंसी करके आपका बिजनेस आप इंडस्ट्री में आ सकते हो उसके बारे में बेसिकली बताया गया है, राइट। तो एक बार गो थ्रू कर लिए वो आपको बहुत यूजफुल रहेगा। आई एम श्योर प्रशांत जी आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको मेरा आंसर अच्छा लगता है तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, जो मोटिवेट करेगा बेसिकली हमारा आगे ऐसे आपके हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे सारी अपडेट्स मिलती रहे। जिन लोगों ने भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे यूजफुल वीडियोस के अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज उसके अंदर रखे हुए हैं, विच विल गिव यू मच बेटर आइडिया अबाउट द एक्सपोर्ट रिपोर्ट और आपको हेल्पफुल रहेगा आपका एक्सपोर्ट रिपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापिस ले आए। जय हिंद, जय भारत।